लोकसभा चुनाव में शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में सभा करने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंदसौर पहुंचे। यहां उन्होंने शहर के गांधी चौराहे पर आम सभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने मालवी भाषा में मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की। कमलनाथ ने अपने भाषण में कहा कि अगर वे वापस आते हैं तो किसान कर्ज माफी फिर से शुरू करेंगे। प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग दुखी है, परेशान है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हमारा भटकता नौजवान, हमारा दुखी किसान जो खाद के लिए भटक रहा, जो हमारे छोटे व्यापारी, ये सब परेशान है। मध्य प्रदेश के मतदाता के सामने कोई केवल कोई कैंडिडेट या पार्टी की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की भविष्य पर